धारा 373 का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर्ड टू इन क्लोज टू शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इश्यूज सच ए नोटिफिकेशन। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है नहीं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भंग किया है और इस संसद से यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप से राय मशवरा करके, आफ्टर कंसल्टिंग योर सेल्फ यू डिसाइड ऑन द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह संवैधानिक त्रासदी है जो इस सदन में आज हो रही है। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है, उनके शासन में दो बार राष्ट्रपति महोदय, भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है, महोदय ठीक नहीं है, इतना जो हो हल्ला कर रहे हो इसका दो बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है। कैबिनेट मतलब सरकार। 1952 से लेके जब जब नए राज्य बनाए गए हैं या नए राज्यों या किसी राज्य की जो बाउंड्रीज है उनको बदला गया है, बगैर विधानसभा के विचार विमर्श के अलावा नहीं हुआ है। आज जो संवैधानिक त्रासदी है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाकर उस जम्मू कश्मीर विधानसभा के अख्तियार खुद लेकर ये संसद अपने आप से राय मशवरा करके जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित करने जा रही है, ये संवैधानिक त्रासदी है। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का सवाल ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी, वो बीथ असेंबली बनेगी, वहां एमएलए भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे और वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन का डे टू डे काम करेंगे। धारा तीन की जो स्पिरिट थी, धारा तीन की जो स्पिरिट है वो ये नहीं है कि संसद किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के अधिकारों को लेकर अपने आप से राय मशवरा करके और फिर उस सूबे की जो सरहदें हैं उस सूबे की सरहदों को या बदल दे या उस सूबे को दो में तोड़ दे, ये धारा तीन भारत की संविधान ये नहीं कहती है।